ਮਿਲਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਔਖੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਪਰਾਂ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੋਜ ਨੇ ਬਿਠਿਆ ਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ अन्नदाता आंदोलन 20वें दिन तक पहुंच चुका है। रोजाना टीकरी बॉर्डर पर अलग अलग तस्वीरें आपने अब तक जरूर देखी होंगी। ऐसी ही कुछ तस्वीरें आज एक बार फिर हमारे कैमरे में कैद हुई हैं। हर वर्ग हर उम्र के लोग इस आंदोलन में कैसे भागीदार बन रहे हैं आप खुद देखिए। कैसे ये महिलाएं सर्दी में सड़क पर किसान भाइयों के साथ देने के लिए बैठ गई हैं, रोटियां बनाती हैं, नारेबाजी करती हैं और फिर भी जब समय बच जाता है तो थक हार कर अपने पोते पोतियों के लिए स्वेटर बुनने बैठ जाती हैं। ऐसी ही कुछ महिलाओं से हमारे संवाददाता प्रवीण कुमार ने बातचीत की। आंदोलन का 22वां दिन ना सरकार मान रही है ना किसान मान रहे हैं। सड़कों को ही आसियाना बनाकर किसान डट गए हैं। किसानों के साथ काफ़ी संख्या में महिला किसान भी शामिल हैं जो सड़कों पर ही अपना आसियाना बनाए हुए हैं। सड़कों पर बैठ कर रोटी बनाती हैं, सड़कों पर बैठ कर सर्दियों में बुनाई का काम भी चल रही है। आमतौर पर देखा जाता है कि सर्दियों के दिनों में गांव घर में महिलाएं ऊनी सामान बनाती हैं, ऊनी स्वेटर बनाती हैं, टोप बनाती हैं। अब वही काम यहां इन सड़कों पर बैठकर ये महिलाएं कर रही हैं। कोई स्वेटर बना रही है अपने पोते के लिए, अपनी पोती के लिए, कोई बेटे के लिए टोप बना रही है, कोई कोटी बना रही है। ये महिलाएँ देखिए का गोला बना रही है। इस गोला बनाने के बाद फिर सलाइयों की मदद से बुनाई करेंगी, स्वेटर बनाएंगी। लगातार किसान सड़क पर परेशान, सरकार से उम्मीद करता है कि उनकी परेशानी को देखेगी सरकार, समझेगी सरकार। जिस डर से वो यहाँ आए हैं उनके इस डर को दूर करने के लिए तीनों कृषि कानूनों को रद्द करेगी सरकार। चलिए सीधे महिलाओं से बात करते हैं। माता जी, इतनी ठंड में आप लोग घर छोड़ के सड़क पर डटे हुए 20 दिन हो गए हैं। साढ़े हक खोंद है मोदी ताँ बैठे हैं। क्या दिक्कत है इन कानूनों में, ऐसी क्या कमी है जो आप लोग इतना डरे हुए हैं, परेशान है? क्योंकि सरकार तो मंजूर नहीं, सानू मंजूर नहीं, इतने बिल पास नहीं करे नहीं, जेड़ी सानू मंजूर नहीं है, असी वापस ले बिना जावांगे। तो घर पे तो बच्चे भी होंगे, आपके तो पोते भी होंगे, याद बच्चे छोड़े आए, बच्चे छोड़े आए, जो बच्चों वास्ते हक ना रहा असी की करना, करे रह के कर ही नहीं रहा। आप माता जी यहीं पर स्वेटर बुन रही हैं, किसके लिए बुन रही हैं, क्या बुन रही हैं? पोते दे बुन रही हैं भाई, सर्दी वास्ते। तो पोते की याद नहीं आती? ना याद नहीं आती, पोते के मारी सड़कों पे बैठे, पोते के लिए ही सड़कों पर बैठे हैं, याद नहीं आती। भले ही कह रहे हो लेकिन याद ऐसी चीज है जो आ ही जाती है। हरियाणा में तो कहते हैं कि मूल से प्यारा ब्याज होता है, पोता बेटे से ज्यादा प्यारा होता है। माता जी आप किसके लिए क्या बना रहे हैं? एक कोटी बना रहे हैं जी। किसके लिए? मेरे पोती के लिए। तो पोती गांव में होगी और आप यहाँ? पोती तो गांव के फिर देने बेचारे अच्छा छड़ गए हूँ, तो कोई फसला निपड़ जगह भाग जगह नहीं बैठी हैं घर पे। तो पोती का फोन आता है ना? कोई फोन तो होगा आपके पास? ना ना फोन है ही नहीं भाई, सानू कड़े फोन नहीं, किसान है फोन भी नहीं है। पोती की याद भी आती है, पोती के लिए स्वेटर बुन रहे हैं। एक महिला और भी बैठी है, चलिए उनसे ही बात करते हैं। कब तक बैठे रहेंगे? 20 दिन तो हो गए। चौगले गए कम करता, मजूर नहीं करता, चौगले बैठे रहेंगे डट के। तो आप ये ऊन लेके किसके लिए बनाने की तैयारी? बच्चे वास्ते, पोते वास्ते, बच्चों वास्ते। हाँ, उनका गोला बना रहे हैं, बाद में क्या बनाएंगे? क्या कहेंगे सरकार से? सरकार से यह कहेंगे भी चौगले बुनता नहीं है, वो नहीं करते, निमेड़ता नहीं, चौगले बैठे ही रहेंगे, डटे बैठेंगे पूरी। लेकिन सरकार तो वो कह रही है कि संशोधन कर देते हैं, जो आपका डर है उसको दूर कर देते हैं। दूर कर देंगे असि, बस हो जाएंगे, नहीं डटे बैठे हैं आपके, अब बुनी जावे बैठे, ठंड च बैठे हैं, देखो कंबल भिजे पे ने भी, असं कहदे मारे जदों साड़ी जमीन ही खोई गई, असं कहदे वास्ते दिहाड़ी असं नहीं कर सकते बुढ़े हैं, ਹੋਰ ਦੇਖੀ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈ ਇਹ ਜਿਨ ਪੋਤੋ ਕੇ ਲੀਏ ਸਵੈਟਰ ਬੁਨਨੇ ਕਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨੇ ਪੋਤੋ ਕੇ ਪੋਤੀਓ ਕੇ ਭਵਿਸ਼ਯ ਕੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਮਹਿਲਾਏ ਸਰਕਾਰ ਸੇ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਕਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਬਾਤ ਮੰਨ ਲੋਗੇ ਤੋ ਹਮ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਏਂਗੇ ਆਪ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਮਾਨੋਗੇ ਤੋ ਹਮ ਯਹੀ ਇਨਹੀ ਸੜਕੋਂ ਪਰ ਰਹੇਂਗੇ ਯਹੀ ਹਮਾਨੇ ਆਸ਼ਿਆਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਚਾਹੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਲਗੇ ਚਾਹੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਇਨ ਸੜਕੋਂ ਸੇ ਤਬ ਹਟੇਂਗੇ
जब आप बात मान लोगे सरकार। प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी, बहादुरगढ़।